कोरोना के दौरान ऑक्सीजन के लिए लोग लाइन में खड़े थे। प्रकृति ने पेड़ पौधों में ऑक्सीजन उत्पन्न करने की शक्ति दी है। ऐसे में पेड़ पौधे लगाते रहना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। और इसी कड़ी में आशा वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से शुक्रवार को पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोयला विकास खंड बीकेटी में पौधरोपण किया गया। आशा वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से बरगद, पलाश, अशोक, मोर पंखी, गुड़हल, हरसिंगार, पाम, नीम इत्यादि के पौधे लगाए गए। आगे भी प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पौधरोपण करने का संस्था का लक्ष्य है। पौधरोपण के इस अभियान में संस्था के अध्यक्ष सोनी वर्मा, उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र बहादुर मौर्य, सचिव ज्योति मल्होत्रा एवं गीता बिष्ट ने सक्रिय भूमिका निभाई। पौधरोपण अभियान में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश जायसवाल, शिक्षिका कमलेश कुमारी एवं शिक्षिका वंदना का विशेष योगदान रहा। आशा वेलफेयर से मैं सोनी वर्मा, प्रेसिडेंट। आज हमारी टीम ने और हमने मिलकर गोयला बीकेटी माध्यमिक स्कूल में हम लोगों ने एक पर्यावरण को बचाने के लिए एक कार्यक्रम किया, ताकि आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारी संस्थाएं ऑक्सीजन की कमी के कारण प्लांट लगा रही है, तो उसी के तहत हमारी संस्था ने भी कुछ प्लांट को लगाने का प्रयास किया। और इसी के तहत हम लोगों ने बहुत सारे प्लांट को, जैसे अड़हुल का, बहुत सारे फूल के भी पौधे, कुछ ऑक्सीजन वाले प्लांट भी हम लोगों ने लगाया। और हम आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे का रोपण करें, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो और किसी की जान ना जाए।